आप मोटसर के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास कोई केस है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, जहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स आपको गिवन है। यहाँ भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको इन साइंस से समझ लेना चाहिए कि आपका एक्स और वाई किस डायरेक्शन में है। कीपिंग व्यू दिस, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसपे लेफ्ट साइड पे सिग्मा टेंशन में होगा और राइट साइड पे सिग्मा नेगेटिव होगा, सॉरी राइट साइड पे सिग्मा टेंशन में है और लेफ्ट साइड पे सिग्मा कंप्रेशन में है। इसी तरह के आप वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जिसमें ऊपर टाओ क्लॉकवाइज है और नीचे टाओ काउंटर क्लॉकवाइज है। ये मोहर सर्कल को बनाने का तरीका है। अब आप देखें कि आपका जो गिवन डेटा है उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, उसके मुताबिक आप डिसाइड करें कि आपके कोऑर्डिनेट्स या स्केल क्या होने चाहिए। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि आपके पास दो प्लेन्स हैं, एक हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन की आइडेंटिफिकेशन आपके सामने है कि वर्टिकल प्लेन पे सिग्मा एक्स और टाओ एक्स वाई होगी, जबकि हॉरिजेंटल प्लेन पे सिग्मा वाई और टाओ वाई एक्स होगी। एज पर स्केल आप इनको लोकेट करेंगे, जब लोकेट करेंगे तो इनके दरमियान दोनों पॉइंट को जब कनेक्ट करेंगे तो लाजमी है कि वो लाइन सिग्मा एक्सिस को सेंटर पे करें और एक सर्कल बन जाएगा। अगर आपका सर्कल ऐसे नहीं बनता और ये वी एच लाइन का सेंटर सिग्मा पे लाइन नहीं करता, इट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। उस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे सिग्मा एवरेज और ऑब्वियसली टाउ की वैल्यू वहाँ पे जीरो होगी। इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला से तरीका है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टू। जो इस सर्कल पे अगर आपका इस तरह का सर्कल बनता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एक जो मेन ऑप्शन वो ये है कि एक्सट्रीम जो आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड पे पॉइंट है वहाँ पे सर्कल जो क्रॉस कर रहा है सिग्मा एक्सिस को, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा। और आपको पता है कि जो सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस की होती है पी वन के साथ करते हैं, और मिनिमम वैल्यू को हम पी टू के साथ करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सी पी वन और सी पी टू आपके प्रिंसिपल प्लेन्स हैं और आपका ओरिजिन ऑब्वियसली जीरो जीरो पे लाई करता है। चूंकि हम ग्राफ में इतने एग्जैक्ट नहीं हो सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम फार्मूले की मदद से इन चीज़ों को एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे। लाइक आपके पास सिग्मा पी वन को और सिग्मा पी टू को फाइंड आउट करने का फार्मूला यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा वर्टिकल लाइन अगर आप सेंटर से ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो पी पॉइंट आएगा, उसके कोऑर्डिनेट होंगे सिग्मा एवरेज एंड टाउ पी। ये टाउ पी अब यहाँ पे ऊपर भी सेम वैल्यू रखता है और नीचे भी सेम वैल्यू रखता है। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप देखें सी वी वर्टिकल प्लेन है, सी एच हॉरिजेंटल प्लेन है, सी पी वन प्रिंसिपल प्लेन वन है, सी पी टू प्रिंसिपल प्लेन टू है। इन सब के दरमियान 180 डिग्री का डिफरेंस है, इट मीन्स के मोहर सर्कल में एंगल डबल हो जाते हैं। अब आप देखें कि जो सी पी प्लेन है ये उस प्लेन को जाहिर कर इस पर टॉप पी होती है। टॉप पी जिस प्लेन पे होता है हमेशा पी वन और पी टू प्लेन के 45 डिग्री पे होता है, जबकि मोहर सर्कल में 90 डिग्री में, इट मीन्स ऑल द एंगल्स आर डबल्ड। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और यही मोहर सर्कल की ब्यूटी है कि हर पॉइंट मोहर सर्कल का आपको उन तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बताता है जो शीयर और नॉर्मल स्ट्रेस के उस पॉइंट में से गुजरने वाले प्लेन पे पॉसिबल हो सकते हैं। अब अगर आप ये एंगल देखें जो बिटवीन आपका सी पी वन और सी वी है या सी पी टू या सी एच है, लाजमी नहीं है कि हमेशा ये पॉइंट ऐसे ही हो, बस आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इट मे बी बिटवीन वर्टिकल एंड पी टू एंड हॉरिजॉन्टल एंड पी वन, इट डिपेंड्स अपॉन द केस। तो ये एंगल क्या है, ये बेसिकली प्रिंसिपल प्लेन्स के एंगल है, चूंकि एंगल्स डबल हो जाते हैं तो इसलिए हम उनको टू थीटा पी कहेंगे। अब इसमें फाइंड आउट करने के लिए एग्जैक्टली, क्योंकि हम डी से इतने एग्जैक्ट नहीं हो सकते, हम साइन की अप्रोच को यूज़ करेंगे और उसमें इस फार्मूले में करना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने टाउ के पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। यहाँ तक आपके मेन प्रिंसिपल प्लेन्स गुजर चुके हैं। अब आता है कि कोई खास प्लेन जो इंक्लाइंड है इन प्लेन्स के ऊपर, उस पर हम देखना चाहते हैं कि क्या वैल्यू है हमारे पास सिग्मा एन और टाउ टू की। लेट्स से वो प्लेन हमें डायग्राम में शो किया गया है, उसका एंगल है थीटा। अब यहाँ पे देखें थीटा हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज जा रहा है। मोहर सर्कल में ज़रूरी नहीं है कि ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो, आप हॉरिजॉन्टल से लें वर्टिकल से लें, हु व्हाट्स एवर द गिवन टू यू आप वहाँ से ले लें। अब इस केस में हमें हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज एंगल लिया गया है, तो हम हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज चलेंगे लेकिन डबल चलेंगे, बिकॉज ऑल द एंगल आर डबल इन मोहर सर्कल। उस तरह हम उस पॉइंट को लोकेट करेंगे
ये हमारे पास वो प्लेन आ जाएगा जिसके ऊपर सिग्मा एंड टाउ टी लाई करते हैं। ये आपके सामने सिग्मा एंड टाउ टी की रिप्रेजेंटेशन आ गई विद पॉइंट एन। अब अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं ग्राफिकली तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगेन इशू हमारा एक्यूरेसी का आएगा। तो इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इस एंगल को पहले फाइंड आउट करें। इस केस में इस एंगल का नाम हमने अल्फा रखा है और अल्फा को इस केस में हम इस अप्रोच से जो आपके सामने शो हो रही है फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अल्फा हमेशा ही इस तरह फाइंड आउट हो सकता है। अगर आपने अल्फा फाइंड आउट कर लिया है तो आप देखें एक स्मॉल से हम ट्राइंगल बना लेते हैं जो सी एन एन डैश का है, जो एन का प्रोजेक्शन है सिग्मा एक्सिस के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली सिग्मा एन और जीरो होंगे। तो यहाँ पे इस अप्रोच को सामने रखते हुए हम देख सकते हैं कि ओ एन डैश बेसिकली सिग्मा एन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस केस में ये ओ सी प्लस सी एन डैश है। ओ सी हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो सिग्मा एवरेज है और सी एन डैश हमारे पास और कॉज अल्फा से है। अब केस टू केस इनके दरमियान नेगेटिव साइन भी हो सकता है, इनकी साइड भी चेंज हो सकती है, ये आपने खुद ऑब्जर्व करना है कि आपका सर्कल कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये सब एक केस मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। इसी तरह एन एन डैश जो आपके पास है वो शो करता है टॉपी को जो कि आर साइन अल्फा से आते हैं। ये जो फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं मोर सर्कल के, इनमें चेंजिंग हो सकती है 19-20 की, टर्म सेम रहेंगी, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव का इशू आ जाएगा। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज नहीं करते तो आपको सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपका आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव और किस चीज़ को वो इंडिकेट करता है। ये है सिर्फ एक केस। अभी सर्कल एग्जैक्टली सेंटर में भी हो सकता है, मींस आपका ओ और सी पॉइंट कोइंसाइड कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हो सकता है, ज़्यादा सा राइट साइड पे हो सकता है, टोटली लेफ्ट साइड पे हो सकता है। इसके अलावा आपके जो एन है वो मल्टीपल पोजिशन पे पॉसिबल हो सकता है, जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स भेज दी हैं सारी, उनके सॉल्यूशंस भेज दिए हैं न्यूमेरिकल्स के, और ये डिटेल लेक्चर है, इसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल डिस्कस की गई है। तो काइंडली इसको रिव्यू करें और अपने मोहर सर्कल में होपफुली अब आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मजीद मैं कोई केस डिस्कस नहीं करूँगा, आई हैव शेयर्ड इनफ मटीरियल और होपफुली वो आपकी काफ़ी काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की वेरिएशन है पॉइंट टू पॉइंट, इसी तरह जो स्ट्रेन इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस होती है उसको जब हम स्ट्रेन में कन्वर्ट करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किस पॉइंट पर डिफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। अभी इक्वेशन है कि मैक्सिमम जो डिफॉर्मेशन है ऑब्वियसली वो सरफेस पे होगी डिवाइडेड बाय सी। सी यहाँ पे शो करता है मैक्सिमम डिस्टेंस, और दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से कितने फासले पर मैक्सिमम स्ट्रेन मौजूद है। इनकी जो रेशियो है इसको हम वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। वाई वो पॉइंट है, उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हम स्ट्रेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस तरह हमारे पास स्ट्रेन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्ट्रेन हमारे पास आ सकती है। ऑल्दो हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेन को इतना डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट एक आपको कॉन्सेप्ट और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए डायग्राम ऐड किए गए हैं। एग्जाम्पल 6.1 है, अगर आप इसको रीड आउट करें तो ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको असाइनमेंट में एक डायग्राम बना के दी थी। इसमें लोडिंग क्राइटेरिया वही है, जस्ट ये है कि इस स्टेज पे आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम स्ट्रेस के वो कहाँ पे पाई जाएगी, और उसका जो मैकेनिज्म बताया गया वो ये बताया गया कि पहले आपने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, फिर आपने उनको कन्वर्ट करना है फोर्सेस में, और फिर आपने मैक्सिमम स्ट्रेस को देखना है। तो ये डायग्राम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मिड स्पैन जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया 6x = 6 feet उस पर क्या सिचुएशन है। तो आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी मोमेंट कैलकुलेट किया होगा, हम उससे आगे देखते हैं कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले हमने मोमेंट फाइंड आउट करना है, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी पेपर में, क्योंकि इस वक्त हम इसका ये पार्ट पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एंड जो स्पोर्ट हैं वो सिंपल स्पोर्ट्स हैं, तो उनका एक सिंपल रिएक्शन आर ए और आर बी आ जाएगा। ये हमारे पास बीम आ गई है जिसका स्पैन है,
इस पे जो लोड अप्लाई करेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक कंसंट्रेटेड लोड बन जाता है। 12 फुट स्पैन लेंथ है, 100 पाउंड पर फीट का हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो टोटल लोड 1200 पाउंड होगा और ये मिड स्पैन पे एक्ट करेगा जो कि 12 का आधा 6 फुट है। इसके अलावा 2 फुट पे एक लोड अप्लाई हो रहा था 600 पाउंड का और 7 फुट पे एक लोड अप्लाई हो रहा था 1200 पाउंड का। तो आप ऑलरेडी आर ए और आर बी को कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि इनको आप कैलकुलेट करने के बाद ही एक्स एट 6 पॉइंट के ऊपर मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट है ये लोडिंग की वजह से है, इसके रिएक्शन में जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा वो बीम के अंदर प्रोड्यूस होगा जिसको हम बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। अब हमने अगर एक्स 6 फुट पर सिचुएशन देखनी है तो आप 6 फुट पर ड्रॉ करेंगे आर ए, ए पॉइंट पे 6 फुट, 2 फुट पे पॉइंट लोड है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है, जब हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को डील कर रहे होते हैं तो पहले हमने वो सेक्शन ड्रॉ करना होता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर 12 फुट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है तो उसे हम जब हम इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, और ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होता है, तो वो 12 फिट का हमें इक्विवेलेंट लेना पड़ता है। लेकिन जब हम 6 फिट को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें उसका इक्विवेलेंट 6 फिट के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस डायग्राम को ड्रॉ करते वक्त पहले हम 6 फुट का सेक्शन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसकी जो फाइनल फ्री बॉडी डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे जिसमें आर ए एक पॉइंट पे है 6 फीट है, 2 फीट पे 600 पाउंड का पॉइंट लोड ये ऑलरेडी एड कर रहा है। अब आप देखेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 6 फिट के ऊपर था तो जब उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 600 पाउंड बनेगा, कहाँ पे एक्ट करेगा कि 6 फिट के हाफ जो कि 3 फिट बनता है। इसके बाद हम आगे जाते हैं कि हाउ वी विल कैलकुलेट, ये चीज़ें वैसे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्स्ट्रा रिवीजन है आपके लिए। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हमने एक्स पॉइंट पर देखना है और क्लॉक वाइज को अमूमन हम बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आर ए एक्स पॉइंट पे जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगा वो आर ए जो कि 1600 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। इसी तरह ब्लू कलर में जो लोड अप्लाई हो रहा है 600 का वो ए से 2 फिट पे है तो एक्स से वो ऑब्वियसली 4 फिट पे होगा, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और ये काउंटर क्लॉक वाइज है, आर ए क्लॉक वाइज प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए पॉजिटिव है और ये काउंटर क्लॉक वाइज है इसलिए नेगेटिव है। इसी तरह जो हमने पॉइंट लोड कन्वर्ट किया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को वो 3 फिट पे एड कर रहा है, तो अगर वो ए से 3 फिट पे है तो ऑब्वियसली एक्स से भी 3 फिट पे होगा, इसको हमने ग्रीन से शो किया है और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इनको सम अप करेंगे तो ये 5400 पाउंड पर फिट क्लॉकवाइज आएगा, इसको हम इंचज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लोड की वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और ये आप ऑलरेडी अपने असाइनमेंट में कर चुके हैं। अब हमने इसके बेस पे फ्लेक्सर स्ट्रेस को कैलकुलेट करना, तो ये डायग्राम आपको गाइड करेगी कि ये सिचुएशन है हमारे पास 6 फिट के बाद अगर हम आप क्रॉस सेक्शन देखें तो हमारे पास एक रेजिस्टिव मूवमेंट जिसे हम बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं वो प्रोड्यूस होगा जो ऑब्वियसली काउंटर क्लॉकवाइज होगा और एक इसमें शीयर फोर्स नीचे की तरफ टेंटेटिवली एक्ट करेगी। हमने इधर एम आर को डिस्कस करना है। हम देखते हैं कि जो बीम का क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है गिवन डेटे में, 4 इंच उसकी विड्थ है और 12 इंच उसकी हाइट है। अब इसका जो सेंटर है ऑब्वियसली वो 6 इंचज पे लाई करेगा, तो ये सेंट्रल एक्सिस आपके पास आ गया और यही इसका क्या है न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये उसकी डायग्राम है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस 0 है और यहाँ से स्ट्रेस एक्स टूवर्ड सरफेस इंक्रीज होती जाती है और ये जो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली डिस्टेंस का प्रोपोर्शन फैक्टर है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये क्रॉस सेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस के साथ है। अब यहाँ पे अपर पोर्शन में बीम की जो है क्रॉस सेक्शन में कंप्रेशन में स्ट्रेस है और लोअर पोर्शन में टेंशन में स्ट्रेस है और दोनों के जो सरफेसेस हैं वो 6 इंचज के फासले पर हैं, तो जो स्ट्रेस कंप्रेशन में और जो टेंशन में वो आपस में बराबर होंगे। अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं फोर्स के अंदर, तो कंप्रेशन फोर्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्ट करती है उस बॉडी के सेंट्रॉइड के ऊपर, तो
ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है वो माइनस साइड से 2/3 होता है। आपकी माइनस साइड वो है जो कनेक्ट कर रही है न्यूट्रल एक्सिस को। देखेंगे 6 का 2/3 होता है 4 इंचेस। तो इसी तरह जो टेंशन में है उसकी भी जो फोर्स हम निकालेंगे, सब डायरेक्शन का फर्क है, वो भी 2/3 पे एक्ट करेगी 4 इंच के ऊपर। अब आप देखिए दोनों फोर्सेस, क्योंकि स्ट्रेसेस जिनसे ये कैलकुलेट की गई है वो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अब एफ सी और एफ टी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट है और एक ही प्लेन में है। इस तरह की फोर्सेस जो मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं उस मोमेंट को हम कपल कहते हैं। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 + 4 8 इंचेस का होगा। आप चाहें तो न्यूट्रल एक्सिस पे इनका मूवमेंट कैलकुलेट कर लें, चाहे तो कपल के कांसेप्ट से कैलकुलेट करें, आपका आंसर सेम आएगा। अब हम जरा 3D व्यू देखते हैं कि व्हेन वी कन्वर्ट दिस स्ट्रेसेस इनटू फोर्स। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, और चूंकि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है उसमें रेक्टेंगल से आपके पास एक क्यूब सा बन जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ पे क्यूब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन रही, यहाँ पे एक वेज शेप बन रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे हम इन स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हाफ लिखना पड़ेगा, मतलब वेज का जो एरिया है वो क्यूब के एरिया से हाफ होता है। अब इस वेज की जो लंबाई है वो सिग्मा सी है, चौड़ाई 4 इंच है, ऊंचाई 6 इंच है। तो जब हम तीनों का उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हाफ लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 σc। और चूंकि एफ सी और एफ टी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, सब डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लिख सकते हैं ये भी 12 σc है। अब जो बेसिकली हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है या कपल, वो क्या होगा? एफ सी इंटू डिस्टेंस, कपल का कॉन्सेप्ट है। तो 12 σc फोर्स की मैग्नीट्यूड है, 8 इंच के दरमियान डिस्टेंस है, तो आंसर आ जाएगा 96 σc पाउंड इंच काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो लोड की वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा था वो क्लॉकवाइज था, तो ऑब्वियसली उसकी अपोजिशन में जो लोड प्रोड्यूस हो रहा है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। अब हम जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे हमने देखा कि एम लोड की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 6 इंचज पे 5412 थी, लेकिन आपको असाइनमेंट में मैंने कहा था कि आप 3 इंचज पे और 9 इंचज पे भी देखें। तो 3 इंचज पे ऑब्वियसली एम की वैल्यू डिफरेंट आएगी, 9 पे ऑब्वियसली एम की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो वो लोड की वजह से जो एक्सटर्नल मूवमेंट है उसकी वैल्यू को फर्क पड़ता रहता है, लेकिन इंटरनली आपके पास यही रहेगी। बट जब आप इक्वेट करेंगे तो सिग्मा सी की वैल्यू हर पॉइंट पे डिफरेंट आएगी। बहरहाल हम यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करते हैं, और ये चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इधर से हमारे पास सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी 675 PSI, जो कि मैक्सिमम है क्योंकि सरफेस पे है। अब ये टेंशन में भी है और कंप्रेशन में भी है। एक और चीज़, ये जो 675 है ये 6 फीट के फासले पर है फ्रॉम स्पोर्ट ए और फ्रॉम स्पोर्ट बी। तो उस पॉइंट के ऊपर बीम में जो मैक्सिमम फाइबर स्ट्रेस है, इसको फाइबर स्ट्रेस का नाम भी दिया गया है, वो 675 है। लेकिन माइट पॉसिबल है कि हम अगर एक्स की वैल्यू 7 फीट पे देखें कि एक्स की क्या स्टेटस है, तो वहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कुछ हो रहा है और वो मे भी इससे ज़्यादा हो सकती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये दो तरह की वेरिएशन है। नंबर वन अलोंग द बीम, आप बीम में जाएंगे हर पॉइंट पर मूवमेंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। नंबर टू, उस बीम के क्रॉस सेक्शन में उस पॉइंट के ऊपर भी इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जब ये सेम क्वेश्चन हमारे पास है, लोडिंग क्राइटेरिया सेम वही है, लेकिन यहाँ पे हमारी क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दिया गया है। 2 × 10 इंच के टिम्बर्स हैं जिनको वन एक दूसरे से ऐसे जोड़ दिया गया है कि वो सिमेट्रिकल टी सेक्शन बन जाते हैं विद द फ्लैंज ऑन द टॉप। अब यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है कि आपके पास लोडिंग क्राइटेरिया वही है और उसकी वजह से जो मिड स्पैन 6 फुट पे आपका लोड है उसके से जो मूवमेंट है वो 5412 है। अगर तो पेपर में आपको ये गिवन है तो आप करेंगे, अदरवाइज आपको लोडिंग क्राइटेरिया दिया गया होगा तो आपको
ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस मोमेंट का बीम के क्रॉस सेक्शन से लेना देना कोई नहीं है, ये मोमेंट सिर्फ और सिर्फ लोड बेस पे कैलकुलेट होता है। तो ये देखें, ये वो टी बीम है और इसमें स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट नज़र आ रही है, जो लेटर ऑन आपको नज़र आएगी। इसमें ऊपर वाला पोर्शन छोड़ा है, इसको फ्लैंज कहते हैं, और दरमियान वाले को स्टेम या वेब कहते हैं। ये फ्लैंज की डायमेंशन है 2 × 10, और ये हमारे पास वेब की डायमेंशन है 2 × 10, और ये सिमेट्रिकल है। मतलब सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जो इसका वेब है वो फ्लैंज के बिल्कुल सेंटर में है। इसका हम न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम एक रेफरेंस पॉइंट से लोकेट करेंगे। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कंपोजिट बॉडी है, तो हम कंपोजिट बॉडी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं कि हम एरिया का मोमेंट लेते हैं, या वेटेड एरिया कॉन्सेप्ट कहते हैं। उस कॉन्सेप्ट के अंदर आप पहले बॉडीज़ के इंडिविजुअल सेंटर्स को लोकेट करेंगे। जैसे हमारे पास फ्लैंज है, फ्लैंज का जो सेंटर लाइन मैंने शो की है, और उसका जो डिस्टेंस है हमारे रेफरेंस लाइन से, वो 200 मैंने शो किया है। एक तो स्टेम की लंबाई है और एक उससे ऊपर वाला पोर्शन। तो आप देखिए, टोटल जो लेंथ है इसकी 11 इंच आ चुकी है। 10 इंच हमारे पास इस स्टेम की लंबाई थी, और चूंकि फ्लैंज 2 इंच चौड़ा था, तो उसका सेंटर रेक्टेंगुलर सेंटर उसका 1 इंच पे होगा, तो ये टोटल 11 इंच हो गया। इसी तरह जो हमारे पास जो स्टेम है या वेब है, उसका सेंटर चूंकि वो 10 इंच ऊंचा है, तो वो 5 इंच पे होगा, और रेक्टेंगल है इसलिए हम हाफ पे जा रहे हैं। तो अब उसका हम देखते हैं कि फार्मूला क्या बनता है। अब 2 × 10, ये ब्लैक कलर में मैंने लिखा हुआ, तो ये ब्लैक कलर वाला जो फ्लैज है हमारे पास है, उसका एरिया है, जमा ब्लू कलर में जो वेब है उसका एरिया है। इनको आप दोनों को जमा करते हैं, तो ये टोटल एरिया ऑफ टी बीम आ जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंपोजिट सेंटर बाय जो हमने कैलकुलेट करना है, और ये बराबर होगा 2 × 10। अब ये 2 × 10 क्या है, ये हमारे फ्लैंज का एरिया है जो ब्लैक कलर से शो किया, और 2 × 11, 11 क्या है उसका डिस्टेंस है फ्रॉम रेफरेंस से, प्लस 10 × 2, ये हमारे पास वेब का एरिया है जो ब्लू कलर में हमने शो किया गया, और उसका जो डिस्टेंस है सेंटर का फ्रॉम रेफरेंस वो 5 है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8 इंच। अब आप वाई इज इक्वल टू 8 इंच है, तो आपको ये एक न्यूट्रल एक्सिस लोकेट हो गया। आप जो रेफरेंस लाइन है उसको जहाँ मर्जी रख लें, उसको आप बेशक टॉप ऑफ द फ्लैंज पे रख लें, बेशक स्टेम और फ्लैंज की ज्वाइंट पे रख लें, आपका मे बी वाई की वैल्यू डिफरेंट आए, लेकिन जो उसकी लोकेशन है, जो आप लोकेशन ये कह सकते हैं कि ये फ्लैंज से 2 इंच नीचे बनती है, तो वो वही रहनी है। क्योंकि हमारा रेफरेंस वेब की बेस के ऊपर है, तो ये 8 इंच है नीचे से। अगर हम इसी रेफरेंस एक्सिस को बिल्कुल टॉप पे ले लेते हैं फ्लैंज के, तो वहाँ से ये न्यूट्रल एक्सिस 4 इंच नीचे है, तो आपका आंसर 4 आएगा। इन शॉर्ट, ये जो न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रॉइड है, इसकी लोकेशन चेंज नहीं होनी। हाँ, अगर हमारा रेफरेंस एक्सिस चेंज होगा, तो माइट बी ये जो वाई की वैल्यू है ये कुछ और है, बट वो जिस चीज़ को इंडिकेट करेगी वो सेम रहेगी। तो ये देखिए, हमारे पास ऑलरेडी एक डायग्राम बन चुकी है जिसमें हम न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट कर चुके हैं। अगर हम उसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे, तो अपर पार्ट के ऊपर हमारे पास सिग्मा सी है कंप्रेशन में डिस्ट्रीब्यूशन, और लोअर पार्ट में टेंशन में डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब ये ऑब्जर्व करें कि जो लोअर पार्ट है वो न्यूट्रल एक्सिस से 8 इंच के फासले पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जबकि जो अपर पार्ट है वो टोटल लेंथ हमारे पास बीम की 12 हाइट 12 इंच है, तो ये सिर्फ 8 इंच पे न्यूट्रल एक्सिस है टूवर्ड डाउन, तो अपवर्ड ये 4 इंच बनता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि जो सिग्मा सी है वो हाफ ऑफ सिग्मा टी है। क्यों? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिग्मा सी जो है वो फंक्शन है डिस्टेंस का फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो जो स्ट्रेस की वैल्यू 8 इंच में आएगी, 4 इंच में ऑब्वियसली उसका हाफ आएगा। अब जो लोअर पोर्शन हमारे पास है न्यूट्रल एक्सिस से, वो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 2 × 8, लेकिन जो अपर पोर्शन हमारे पास है वो दो तरह के रेक्टेंगल पर डिपेंड करता है। एक का एरिया है 2 × 2 और एक का एरिया है 2 × 10। इट मीन्स कि जब हम अपर ट्राइंगल को जो स्ट्रेस की है जब कन्वर्ट करेंगे फोर्स में, तो
तो इन दोनों पोर्शन को इकट्ठा डील नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि इनका एरिया डिफरेंट है। हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को अलग से डील करेंगे। ये जो 2 इंच का पार्ट हमारे पास है, इसमें जो ट्राइंगल है, और ऊपर वाले पार्ट में हम अलग डील करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट एक 5 कोण वाली डायग्राम बन जाती है जिसका एरिया निकालना मुश्किल है, तो उधर भी हमने एक ट्राइंगल को फिट कर दिया। इन शॉर्ट, अपर पार्ट जो हमारे पास था न्यूट्रल एक्सिस का, उसको हमने 3 डिफरेंट डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 2 ट्राइंगल्स जो कि आपको सी ग्रीन और ऑरेंज से कलर में नज़र आ रही हैं, आल तो ये दोनों ट्राइंगल सेम है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या आता है कि जो सी ग्रीन से ट्राइंगल है उसके जो साथ कनेक्टेड क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 × 10 है, लेकिन जो ऑरेंज से ट्राइंगल हमारे पास है इसके साथ जो कनेक्टिंग क्रॉस सेक्शन है वो 2 × 10 का है, और तीसरी डायग्राम यहाँ पे रेक्टेंगल की है जो आपको खाली ब्लू से नज़र आ रही है। अब देखें, ये जो डिस्टेंस है ये 2 इंच है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, सिग्मा सी का हाफ। क्यों? सिग्मा सी 4 इंच पे अब अचीव हो रही है, तो सिग्मा सी का हाफ कब अचीव होगा, 2 इंच के ऊपर। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टेंस से इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब आप देखें, जो ऊपर टोटल विड्थ थी ट्राइंगल की वो थी सिग्मा सी। अब अगर इसमें हाफ ये पोर्शन सिग्मा सी बाई 2 है, तो बाकी पोर्शन भी सिग्मा सी बाई 2 होगा। अब हमने इनको कन्वर्ट करना है फोर्सेस में। सबसे पहले हम ऊपर ओरिज ट्राइंगल की बात करते हैं। ओरिज लाइन से हमने कहा ये फोर्स F1 है, कहाँ पे लोकेट करती थी, ये माइनर साइड जो कि न्यूट्रल एक्सिस से 2 इंच के फासले पर है, उसका 2/3 होगा। अगर आप देखें कि ये जो माइनर साइड की हमने लाइन लगाई है, 2 इंच इससे नीचे डिस्टेंस है और 2 इंच ही इससे ऊपर डिस्टेंस है, तो हमें पता है कि ये 2/3 है फ्रॉम माइनर साइड, तो ये हमारे पास लोकेशन आ गई। लेकिन टोटल डिस्टेंस का न्यूट्रल एक्सिस से क्या होगा, 2 + 2/3 डिस्टेंस, तो ये सिंपली यहाँ पर 10/3 आ जाएगा। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रेस के अंदर, तो चूंकि ये ट्राइंगल है ये वेज शेप बनाती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हमें हाफ ऐड करना पड़ेगा। सिग्मा सी बाई 2 जो है हमारे पास वो इसकी लेंथ है, और जो विड्थ और हाइट है वो 2 × 10 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 σc। अब हमें पता है कि हमने यूनिफॉर्मिटी के लिए सारे सिग्मास को सेम वैल्यूज में प्रेजेंट करना है, और हम जानते हैं कि सिग्मा सी बराबर है 1/2 σt के। जब हम वो वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारे पास F1 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 5/2 σt। इसी तरह हमारे पास ये जो रेक्टेंगल पोर्शन है, इस पर अगर हम फोर्स करते हैं कि ये F2 है, अब रेक्टेंगल पे कहाँ पे ऐड करेगी, उसके हाफ पे जो कि 1 इंच है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 1 = 3 इंच। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, अब जो कि ये रेक्टेंगल है तो इसमें हाफ नहीं लगेगा, इस पर स्ट्रेस की वैल्यू थी सिग्मा सी बाई 2 और इसका जो एरिया था वो 2 × 10 था, तो ये 10 σc आ गया। सिग्मा सी की वैल्यू हमारे पास है 1/2 σt, तो वो जो हमने प्लेस की तो 5 σt आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि लोकेशन का फोर्स की, हाल दो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सेम है, लेकिन जो ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन थी वहाँ पे उसका सेंट्रॉइड कहीं और है, जो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंट्रॉइड कहीं और पे है। जो रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम था उसमें हमने हाफ लगाया, ट्राइंगल के वॉल्यूम पे हमने हाफ लगाया, लेकिन रेक्टेंगुलर के वॉल्यूम पे हमने हाफ नहीं लगाया। अब हम आते हैं तीसरे फोर्स के ऊपर जो कि F3 है। इसकी लोकेशन ऑब्वियसली माइनर साइड से 2/3 पे होगी, जो आपके सामने 4/3 आ गया। जब से कन्वर्ट करेंगे तो जो कि ये ट्राइंगल, तो हाफ फार्मूले का आ जाएगा सिग्मा सी बाई 2, इसमें स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो एरिया वो 2 × 2 है, तो फाइनली हमारे पास सिग्मा सी आ जाएगा। और जब सिग्मा सी की वैल्यू रखेंगे तो ये हाफ ऑफ सिग्मा टी आ जाएंगी। तो इस तरह जो ऊपर हमारे पास स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने 3 डायग्राम में कन्वर्ट किया स्ट्रेस में, और 3 अलग अलग फोर्सेज में उनकी लोकेशन को हमने देख लिया। जो लोअर पार्ट हमारे पास है जो टेंशन में है, वो जो कि एक ही डायग्राम है और एक ही उसका क्रॉस सेक्शन है, तो उसको हम माइनर साइड से लोकेट करेंगे फ्रॉम 2/3। तो आप देख लें कि 8 इंच टोटल साइड थे, तो उसका 2/3 आया था 16/3। अब चूंकि ये एक ट्राइंगल है तो यहाँ पे हाफ फार्मूले का आएगा, स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा टी है, और एरिया जिस पे ये करिए वो 2 × 8 है, तो 8 आ जाएगी। अब हमने देखना है कि इतना मोमेंट, रिजिस्टिंग मोमेंट किया क्लॉक वाइज पॉजिटिव अराउंड न्यूट्रल एक्सिस, F1 न्यूट्रल एक्सिस काउंटर क्लॉक वाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है।
F1 इसका डिस्टेंस है 10/3। यहाँ पे मैंने हर फोर्स को कलर किया, जैसे F1 ऑरेंज में थी तो ये उसमें ऑरेंज में फोर्स और उसका डिस्टेंस आ गया, F2 ब्लू में थी तो उसका डिस्टेंस ब्लू में आया, F3 ग्रीन में थी तो उसका डिस्टेंस ग्रीन में आ गया। अब ये जो तीनों फोर्सेस नोडल एक्सिस के ऊपर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और तीनों काउंटर क्लॉक वाइज है, इसलिए इनके साथ हमने माइनस साइन लगाया। अब आते हैं हम निचले वाले F4 के ऊपर। F4 भी अगर आप नोडल एक्सिस के जरिए देखें तो वो काउंटर क्लॉक वाइज मूवमेंट ही प्रोड्यूस करेगी, इसलिए वो माइनस में आ गया, उसका डिस्टेंस है 6/3। इनकी वैल्यूज प्लेस की आपके आसानी के लिए मैंने सेम कलर्स प्लेस किए हैं कि जी ऑरेंज में ऑरेंज की वैल्यू, ब्लू में ब्लू की वैल्यू, ग्रीन में ग्रीन में, रेड में रेड की वैल्यू। तो हमारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये आंसर बन जाता है -200/3 सिग्मा टी, और हम कह सकते हैं कि ये काउंटर क्लॉक वाइज है। अगेन यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊँ कि जो हमारे पास लोड की वजह से मूवमेंट था वो क्लॉक वाइज है, तो ऑब्वियसली जो उसका रेजिस्टिंग मूवमेंट है वो काउंटर क्लॉक वाइज होना चाहिए, और ये दोनों आपको इसमें बराबर है। तो जब हमने इसको इक्वेट किया 5400 × 12, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और रेजिस्टिंग मूवमेंट या बेंडिंग मूवमेंट हमने देखा वो 200/3 था, तो यहाँ पर देखिए ये 972 आ रहा है, और ये किस में है जी, टेंशन में है ऑब्वियसली, और कहाँ पे, बिल्कुल नीचे। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि सेम बीम हमारे पास है लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन चेंज करने से जो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग हो गई। रेक्टेंगुलर में जो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो टेंशन और कंप्रेशन में बराबर थी, लेकिन टी सेक्शन में बराबर नहीं है, और मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन टेंशन में है और वो नीचे है, और उसकी अमाउंट भी बढ़ गई है। अब वही कंपोजिट बॉडी जो हमने 6.2 एग्जांपल में डिस्कस की थी, अब हम देखते हैं कि इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे या सेकंड एरिया मूवमेंट पे या एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फर्क पड़ता है। तो न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना है, ये अब आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमने एक्सिस ज्यूम किए हैं वो बेस से है, क्योंकि हमने बेस से पहले सारे डिस्टेंस लिए थे, और जो वाई एक्सिस है उसके बिल्कुल सेंटर से बॉडी के गुजर रहा है, और चूंकि ये टी बीम बिल्कुल सिमेट्रिकल है, हमारे पास ऑलरेडी 6.2 में थी, तो इसलिए हमारा वाई एक्सिस इन दोनों रेक्टेंगुलर्स के दरमियान से होता हुआ जा रहा है। तो ये 8 इंच हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये कैसे आया। ओके, अब हमने देखा ये दो रेक्टेंगल्स बन गई हैं, अब हमने के की वैल्यू निकालनी है दोनों के लिए। जो हमारे पास रेक्टेंगल 1 है इसका सेंट्रॉइड 5 इंच के ऊपर है, बट डिस्टेंस के क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे हमने डिस्टेंस चेक करना है कि उसका कितना आ रहा है। अब यहाँ पे ये है कि हम इस बॉडी का जो डिस्टेंस ले रहे हैं, मूवमेंट ले रहे हैं, वो अलोंग न्यूट्रल एक्सिस ले रहे हैं, तो हमने एक्स और वाई को ऐसे अज्यूम करना है कि हमें कम से कम काम करना पड़े। हम चाहते तो न्यूट्रल एक्सिस पे भी एक्स को ले सकते थे, तो वहाँ पे फार्मूला बिट लिटिल डिफरेंट हो जाता। खैर फॉर द टाइमिंग आप इन एक्सिस के साथ चलें। के क्लियर हो गया जी, आपको 8 इंच पे न्यूट्रल एक्सिस की हाइट थी और 5 इंच पे उस बॉडी की सेंटर की हाइट थी, दोनों का डिफरेंस आ गया 3 इंच का। इसी तरह जो ऊपर वाली बॉडी का सेंट्रॉइड है वो 11 इंच पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका भी लकीली 3 इंच के ऊपर डिस्टेंस। अब यहाँ पे चूंकि ये दोनों एक जैसी वैल्यूज आ रही है तो मैं इनको अलग अलग कलर कर दिया। नोडल एक्सिस थ्योरम लगाया आपने, अब बॉडी 1 का अगर आप मोमेंट देखें तो क्या होगा, 2 उसकी विड्थ है, 10 उसकी हाइट है, उसका क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2 × 10 उसका एरिया, और 3 अब ये येलो वाला 1 पार्ट के लिए शो हो रहा है उसका स्क्वायर, ये 346.67 आ गया। अब ऊपर वाली जो ट्राइंगल है IX2 जो ग्रीन से मैंने शो किया उसका आप देखें तो उसमें आपका ये फार्मूला आएगा, उसमें जो विड्थ थी वो 10 थी और हाइट जो है वो 2 है, तो 10 × 2³/12, तो इसका आंसर आ गया 186.67। जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपके पास इस तरह आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के और भी मीन्स हैं लेकिन सबसे आसान मीन यही हमारे पास आता है। अब आप IY निकालें, अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब हम IY निकाल रहे हैं तो देर इज़ नो एक इसके, उसकी रीज़न क्या है कि y एक्सिस 1 और 2 के सेंट्रॉइड से गुजर रहा है। x एक्सिस के केस में हम x को जहाँ मर्जी ले लें वो दोनों के सेंटर से नहीं गुजर सकता, वो या तो बॉडी 1 के सेंटर से गुजरेगा या बॉडी 2 के सेंटर से गुजरेगा।
तो इसलिए हमने इसको बेस में किया। लेकिन वाई के लिए हमारे पास लकीली ये सिमेट्रिकल बॉडी है, तो ये उन दोनों के सेंटर से गुजरेगा। जब सेंटर से गुजरेगा तो ए के स्क्वायर की टर्म नहीं आएगी, आप ये देख सकते हैं। तो आई वाई सिंपल किया है। अब जब फार्मूला लगाते हैं, अब वाई एक्सिस के हिसाब से आप देखें तो ये 10 वाई एक्सिस के पैरेलल है और 2 उसके परपेंडिकुलर है फॉर रेक्टेंगल 1। तो 10 इंटू 2 क्यूब बाई 12, और जो रेक्टेंगल 2 है हमारे पास उसमें 2 उसके पैरेलल और 10 उसके परपेंडिकुलर बाई 12। तो ये सिंपली इसमें एक स्क्वायर तो है नहीं, ये आ गया 173 पॉइंट। अब बीम एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम आई की वो ओरिएंटेशन लेते हैं जिसमें हमारे पास आई की वैल्यू ज़्यादा आए। अब टी बीम अमूमन जब आप देखते हैं तो ऐसे टी पड़ी हुई नज़र आती है आपको, अलॉन्ग वाई एक्सिस पड़ी हुई नज़र नहीं आती, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में जब हमने बीम को सॉल्व करना है तब तो हमने आई की वो वैल्यू लेनी है जो मैक्सिमम है। हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है फ्लेक्सर फार्मूला। ये है सिंपल, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई, वेयर एम बेंडिंग मोमेंट है एट एनी पॉइंट एक्स ऑन द बीम। लेट्स ये हमारे पास कोई बीम है, इसमें ये कोई पॉइंट है एक्स, इस पे जो मोमेंट है वो एम होगी। सिग्मा फ्लेक्सर स्ट्रेस या फाइबर स्ट्रेस हमारे पास है एट एनी पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये जो एक्स पॉइंट है इसके यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है इस पे किसी भी पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस है वो सिग्मा है। उस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं वाई डिस्टेंस से, जो कि न्यूट्रल एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन शो करने के लिए हमने बता दिया, लेट से ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है, टी बीम भी हो सकती है, आई बीम भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर रिज्यूम कर लिया। उसका न्यूट्रल एक्सिस आपने लोकेट किया, ये आपके पास उसकी स्ट्रेस की डायग्राम लेट से बन जाती है। अगर हम लोअर पार्ट पे देखना चाहते हैं, ये वाई पॉइंट है, इस वाई पे जो स्ट्रेस है वो सिग्मा। अब ये लाजमी नहीं है कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे ही होगा वाई, ऊपर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो जो वाई पॉइंट लोकेट करेगा वहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसको हम सिंपली इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। एम आपको पता है ऑलरेडी, हम कैसे निकालते हैं, लोडिंग क्राइटेरिया से निकालते हैं। वाई के लिए आपको उसका न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करना पड़ेगा पहले, और फिर न्यूट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस। अब तीसरी चीज़ रह जाती है आई। आई क्या है? आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और मैं बता चुका हूँ कि मैकेनिक्स मटेरियल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मुराद एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। तो इसके लिए आपको आई एक्स और आई वाई को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। आई एक्स का मतलब क्या होगा? अगर हमारे पास एक्स एक्सिस की ये ओरिएंटेशन है और वाई की ओरिएंटेशन ये है, तो आई एक्स मीन्स कि आपकी बीम इस तरह पड़ी हुई है, और आई वाई मीन्स कि आपकी बीम इस तरह पड़ी हुई है। आप ऐसे बताएं कि कौन सी ओरिएंटेशन की बीम कॉमन है। कभी आपने देखा है कोई बीम पड़ी हो जिसकी विड्थ ज़्यादा और हाइट कम हो? आप अपने क्लासरूम्स को अज्यूम करें, अपने हॉस्टल्स में अज्यूम करें, जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको विड्थ कम नज़र आएगी और हाइट ज़्यादा नज़र आएगी बीम की। तो इसलिए आई एक्स नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं, और यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो डी है वो ग्रेटर देन बी है, ये भी याद रखिएगा। तो ये फ्लेक्सर फार्मूला बड़ा आसान हो गया, जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस में स्ट्रेसेस को कैलकुलेट किया था। एम तो खैर दोनों केसेस में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जो हमने उसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई थी वो सारा काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ये सिंपल फार्मूला है। इसकी दूसरी शेप हमारे पास ये है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एम सी ओवर आई, वेयर एम सेम सी जो है ये न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस है और आई वही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अब हमें पता है कि रेक्टेंगुलर बीम में टेंशन में या कंप्रेशन में जो स्ट्रेस है वो बराबर होती है, लेकिन अभी हमने टी बीम को भी डिस्कस किया, तो टी बीम में रेक्टेंगुलर में और टेंशन में स्ट्रेसेस बराबर नहीं थे। अगर हम उसी टी बीम को दें तो उसमें हमें पता है कि जो कंप्रेशन में स्ट्रेस थी वो 4 इंच के फासले पर थी, और जो टेंशन में स्ट्रेस थी वो 8 इंच के फासले पर थी। तो मैक्सिमम कहाँ पे थी? 8 इंच पे। तो जब हम सिग्मा मैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि सी की वैल्यू हमने 8 रखनी है, और दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये टेंशन में है या कंप्रेशन में।
अब हम 6.3 एग्जांपल है कि हम 6.2 एग्जांपल जो हमने टी बीम वाली की थी सिफ्लेक्शन फार्मूला से रिपीट करें। ये जी हम ऑलरेडी, अब अगर आपको ये सॉल्व करना पड़े तो आपको न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर गिवन नहीं है, आपको बेंडिंग मोमेंट को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर गिवन नहीं है। ये तो वो चीज़ें हैं जो कॉमनली हमने करनी करनी है। अब हमें पता है कि आई एक्स और आई वाई ये भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अपने प्रीवियस एग्जांपल में, जहाँ पे आई एक्स की वैल्यू ज़्यादा थी आई वाई के मुकाबले में। तो यहाँ पे चूंकि मैंने इसलिए सेगमेंट में पहले आपको एक क्वेश्चन पूरा हल करने की बजाय डिफरेंट सेगमेंट में दे दी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सिग्मा मैक्स की और हमें सी की वैल्यू की ज़रूरत है। अब जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं कि सी 4 इंच हो सकता है अगर हमने कंप्रेशन में बात करें। अगर मैं आपको सवाल में ये कहता हूँ कि कंप्रेशन में मैक्सिमम स्ट्रेस को फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए सी 4 यूज़ होगा। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल कहता हूँ कि मैक्सिमम सिग्मा क्या है तो वो आपको पता है कि कहाँ पे होगा, 8 इंच के फासले पर। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर मैक्सिमम कंप्रेशनल स्ट्रेस है तो 4 होगा, अगर मैक्सिमम टेंशन में स्ट्रेस है तो 8 होगा, और अगर सिंपल मैक्सिमम पूछे तब भी ये 8 होगा। हमें पता है कि जनाब सिग्मा मैक्स इक्वल टू एम सी ओवर आई है, एम की वैल्यू गिवन है आपके पास 5412, सी की वैल्यू 8 इंच है और आई की वैल्यू। अब लास्ट स्लाइड में एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ था लेकिन मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर सका कि हम आई ओवर सी को कहते हैं एस और इसे हम कहते हैं सेक्शन मॉडुलस। अब ऑब्जर्व करें कि आई एक शेप फैक्टर है और जो सी है वो भी एक शेप फैक्टर है। लाइक मैक्सिमम डिस्टेंस रेक्टेंगल में क्या होगा, उस बीम में क्या होगा। तो आपके लिए जो आई है, आई ओवर सी, ये दोनों कांस्टेंट हैं और ये जो सेक्शन मॉडुलस का आंसर आता है ये भी एक कांस्टेंट हो सकता है अगर आपको बीम की डायमेंशंस क्लियर हों। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड बीम्स होती हैं, ये नहीं कि हम जिस मर्जी डायमेंशन की बीम बना दें। तो जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं तो उनमें स्टैंडर्ड डायमेंशंस यूज होती हैं, हर जगह स्टैंडर्ड ही। हैंडबुक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स में या हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियर्स में, ज़्यादातर ये सिविल का काम है, आप सिविल में हैंडबुक में जाएं तो वहाँ पे बीम्स की डायमेंशन दी होगी आपको, उसमें आई एक्स की वैल्यू, आई वाई की वैल्यू, सी की वैल्यू और सेक्शन मॉडुलस एस की वैल्यू गिवन होगी। तो ये भी बहुत पुरानी अप्रोचेज है, अब तो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट पेड सॉफ्टवेयर है वो सब कुछ आपको एनालिसिस करके दे देते हैं। लेकिन अगर आप ये सॉल्यूशन क्वेश्चन को बुक में देखेंगे तो उन्होंने इसको सॉल्व किया एम ओवर एस के साथ और एस के लिए उन्होंने टेबल में रेफर किया, क्योंकि अगर वो टेबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हर टेबल को हम स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसका वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जो फार्मूले में है। तो पेपर में हो सकता है कि मैं आपको एस की वैल्यू दे दूँ तो आप डायरेक्ट एम ओवर एस से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने ये बताना है कि भाई ये 972 टेंशन में है, ये आपको कॉन्सेप्ट बताएगा, ये आपको फार्मूला नहीं बताएगा। जैसे कि हमने पिछली भी आपको स्लाइड में एक असाइनमेंट दी है छोटी सी, 6.1 को फ्लेक्सिस फार्मूला से करें, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत मुश्किल है। सी की वैल्यू 6 होगी, एम की वैल्यू गिवन है, आई आपको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है उसका। लास्ट एग्जांपल कि हमारे पास जो बीम यूज़ हुई थी सेम लोडिंग क्राइटेरिया, लेकिन अब जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो एक आई क्रॉस सेक्शन है। आई क्रॉस सेक्शन मीन्स में 3 टिम्बर हैं, टी में तो 2 टिम्बर कनेक्ट किए थे, इसमें 3 ऐसे करके कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें अपर और जो लोअर पोर्शन है इसको हम फ्लैंज कहते हैं, दरमियान वाले को वेब कहते हैं। इनकी डायमेंशन ए बाई बी है और ए और बी के बारे में वही रूल्स हैं जो मैंने पहले लास्ट असाइनमेंट में आपको कहा था कि आप इनको डिस्कस करें। मैं आपको थोड़ा सा इनका हिंट देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ बॉडी लोकेट करना है ताकि हमें न्यूट्रल एक्सिस का पता चले। अब यहाँ पे ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि चूंकि ये अपर और लोअर फ्लैंज सेम डायमेंशन के हैं और ये सेंट्रिक है, तो ऑब्वियसली अगर बीम, लेट से ये 2 बाई 10 के 3 टिम्बर्स हैं तो बीम की टोटल हाइट बनती है 14 इंच, तो
ये 7 इंच पे होगा। आप लेकिन अगर ये डायमेंशंस अलग हैं तो आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आप उसके स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम्स आपके पास हैं अपर के लिए और लोअर के लिए। अब यहाँ पे देखें अगेन वही इशू आना कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी आल दो ये सिमेट्रिकल आई बीम है। अगर सिमेट्रिकल आई बीम नहीं होती, मतलब अपर फ्लैंज और लोअर फ्लैंज ये डिफरेंट साइज के हैं, तब ये ऐसे सिमेट्रिकल डायग्राम नहीं बनेगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे अपर और लोअर फ्लैंज सेम हैं डायमेंशन के, तो अब आप कह सकते हैं कि टेंशन और कंप्रेशन दोनों में स्ट्रेस सेम होगी। लेकिन जैसा कि हमने टी बीम में किया था कि ऊपर आपको 3 ट्राइंगल्स बनानी पड़ेंगी, वजह कि ऊपर वाले में जो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिफरेंट है टी बीम में। लेकिन आई बीम में जैसा ऊपर कंडीशन थी वैसे ही नीचे कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे देखें ये निचले के भी 3 पोर्शन बन गए ऊपर।